देखिए दोस्तों, भैया जो है बैलों से खेत की जुताई कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों ये भाभी जो है अभी बेहन उपार रही हैं, धान की बेहन को उपार रही हैं अम्मा और भाभी हैं, देख सकते हैं। लेकिन इसमें चारा बहुत था तो पिताजी ने जो है इसमें चारा सूखने वाली दवाई डाल दिया था। देखिए दोस्तों, ये हो गया खेत की। जय जवान जय किसान। इधर देख सकते हैं आंचल भी आई हैं, आंचल भी है उधर, अंकिता भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। दोस्तों आज आए हैं खेत पर जो है, देख सकते हैं अम्मा जो है बेहन उपार रही है और भाभी जो है वही भी बेहन उपार रही है। अभी हमारा जो है धान की रुपाई नहीं हुआ है, अम्मा जो है इन लोगों का काम करवा दे रहे हैं। कल से जो है हो सकता है हमारे नंबर लगेगा। ये हो गई बड़ी अम्मा, देख सकते हैं पड़ोसी है यहाँ खेत के, जहाँ खेत है खेत के पड़ोसी हैं ये, जो कि दादा पूर्व प्रधान रह चुके हैं पचेड़ा गांव के, हमारे गांव के। अब देख सकते हैं उधर लेना लग रहा है, धान की रुपाई हो रही है, उधर भी हम चल के दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए दोस्तों, ये हो गया खेत की नाली, जो कि हम लोगों के खेत में नाली आती है, मतलब पानी है, पानी आता है जो इसी नाली में से। और इधर जो है खेत आ गए, आप सभी को दिखाते हैं उधर चल के, उधर का वीडियो। दोस्तों ये देखिए धान की रुपाई हो रही है, आकाश के यहाँ दादा के नाती हैं ये, तो अभी दादा के यहाँ रुपाई हो रही है, अभी हमारे यहाँ धान की रुपाई नहीं हो रही है, देख सकते हैं इधर ये लोग रुपाई कर रहे हैं धान की। जय जवान जय किसान। देखिए क्या नाम है, रत्नेश, अच्छा हितेश, हितेश आए हैं, हितेश भी आ गए हैं धान की रुपाई करने के लिए आकाश के। और उधर देख सकते हैं आंचल भी आई हैं, आंचल भी है उधर, अंकिता भी है, सब कोई लगे हैं। दोस्तों ये भाभी जो है अभी बेहन उपार रही हैं, धान की बेहन अब तैयारी में लगी हुई है और लग चुका है शायद, अब नहीं लगा है काफी, अभी एक भी नहीं लगा है दोस्तों भाभी का, अभी शुरू हुआ है। उधर भैया जो है बैल से जो है खेत की जुताई कर रहे हैं, आप सभी को मैं वहाँ की सीन दिखाऊंगा, मैं आप सबको वीडियो में बने रहेगा आप लोग। देखिए दोस्तों, भैया जो है बैलों से खेत की जुताई कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और पहले हम लोगों के यहाँ भी जुताई होता था, लेकिन भैया जो है अभी तक जुताई कर रहे हैं, और हो सकता है लड़के लोगों का जब जिम्मेदारी आएगा तो ट्रैक्टर से जुताई होगा। अब देख सकते हैं कितना मेहनत करते हैं किसान लोग। दोस्तों अभी हमारे धान की रुपाई नहीं हो रही है, ये रही हमारी धान की बेहन, देख सकते हैं। लेकिन इसमें चारा बहुत था तो पिताजी ने जो है इसमें चारा सूखने वाली दवाई डाल दिया था, इसके वजह से जो है जल गई थी, तो तैयार होने में थोड़ा बहुत समय लग गया इसमें, क्योंकि अभी इसकी लंबाई रोपाई के लिए नहीं हो पाई है, इसी के लिए हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। बाकी देख सकते हैं सभी के यहाँ धान की रोपाई हो रही है, देख सकते हैं इधर पीछे। दोस्तों चारा सूखना चाहिए और जितना बेहन जली उतना चारा भी जल गया है, इसी के वजह से हम लोगों की धान की रोपाई लेट हो गई।